जय माता दी। मित्रों मेरा नाम है पंडित प्रकाश जी, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों आज हम चर्चा करने वाले हैं अप्रैल के माह में धनु राशि वालों का राशिफल कैसे रहेगी, उनके स्वास्थ्य की स्थिति, धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, उनके संतान, उनकी संतति, उनके भाग्य की स्थिति, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। मित्रों आज हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि धनु राशि वाले जातक और जातिकाओं का पिछला ढाई महीना कैसा गया है और मुख्यतया उनके साथ में क्या प्रॉब्लम रही है, इसके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं, फिर हम राशिफल के बारे में बात करेंगे। तो धनु राशि का जो पिछला ढाई महीना गया है तो उनको धन हानि बहुत हुई है, धन के जो स्रोत थे वो प्रॉपर नहीं बन पाए, धन इनके पास बिल्कुल रुका है, धन आया ही नहीं धनु राशि वालों के पास। दूसरा नौकरी छूट गई है, घर बैठने के योग आ गए धनु राशि वालों के, और तीसरा अस्पताल के काफी चक्कर धनु राशि वालों ने लगाए हैं। अब बात कर लेते हैं अप्रैल 2020 में धनु राशि के स्वास्थ्य के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो अप्रैल के महीने में धनु राशि वाले जातकों और जातिकाओं को डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहने वाला है, 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक बड़ा डिप्रेशन रहने वाला है, गुस्सा नाक पे रहेगा और गुस्सा परिवार वालों पर बहुत निकलने वाला है, और हाथ पैरों में दर्द की समस्या, बीपी की समस्या भी 1 से 21 तारीख तक रहने वाली है। बात कर लेते हैं इनके धन स्थिति के बारे में, धन भाव के बारे में। तो धन भाव में मंगल शनि और गुरु विराजमान है, कहीं ना कहीं जो आपने सेविंग की है वो अप्रैल के महीने में आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही है, और आपको फाइनेंशियल क्राइसिस और गंभीर क्राइसिस धनु राशि वालों को अप्रैल के महीने में महसूस होगी, ऐसा योग नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में, तो कहीं ना कहीं परिवार भाव में बैठे हैं सूर्य, तो माता पिता से थोड़ा धन की, भाई बंधुओं से थोड़ा धन का सहयोग आपको अप्रैल के महीने में मिलने वाला है, पहला चीज ये नजर आ रहा है, और पिता को कोई धन लाभ होने के योग भी अप्रैल के महीने में नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं संतान भाव की, तो संतान भाव के स्वामी है मंगल, तो अप्रैल के महीने में आप अपनी बड़ी संतान को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस केस, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के योग आ रहे हैं, और टेंशन यहां से भी आपको धनु राशि वालों को मिलने वाली है, इसलिए आप जिनकी भी बड़ी संतान है वो अप्रैल के महीने में उनको वाहन, अपनी संतान को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ आप नौकरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो जातक धनु राशि वाले जो नौकरी में है, तो नौकरी भाव में कहीं ना कहीं शुक्र विराजमान है, वो मालव्य योग बना रहे हैं, तो नौकरी में अप्रैल के महीने में अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा, पद प्रमोशन के अच्छे योग नजर आ रहे हैं, अच्छी डेजिग्नेशन आपको अप्रैल के महीने में मिलने वाली है। साथ ही साथ आप दाम्पत्य सुख के बारे में बात कर लेते हैं, तो दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं राहु, तो कहीं ना कहीं पति पत्नी में वाद विवाद बढ़ने के योग नजर आ रहे हैं, इसलिए अपनी जिह्वा को विराम देना है, नहीं तो पार्टनर कुछ दिन के लिए आपसे रूठ के अपने घर, अपने मायके में बैठ जाएगा, ऐसे योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं व्यापारियों के बारे में, तो व्यापार कैसा चलेगा इस बारे में अप्रैल के महीने में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो व्यापार के स्वामी हैं बुध, बुध बैठे हैं तृतीय स्थान में, तो यानी कि 1 से लेकर 13 तारीख तक तो व्यापारियों को कुछ भी महसूस नहीं होगा अच्छा, 13 तारीख के बाद आपका व्यापार अच्छा चलेगा, आपको नया कॉन्ट्रैक्ट, वो भी दो दो कॉन्ट्रैक्ट आपको व्यापार में, दो दो जगह से आपको काम मिलने वाला है अप्रैल के महीने में, तो व्यापारियों का 13 के बाद ही अच्छा योग बनता है। अब बात कर लेते हैं विदेश प्रवासी लोगों की, जिनकी धनु राशि, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में जो विदेश में प्रवास करते हैं और जिनकी धनु राशि, उनको धन हानि के योग बन रहे हैं, सरकारी नोटिस आने के योग उनके घर में बन रहे हैं, साथ ही साथ संतान से आपको टेंशन प्राप्त होने वाली है धनु राशि वालों को। तो मित्रों ये था अप्रैल में धनु राशि वालों का राशिफल, और मित्रों आप लोग राशिफल पढ़कर मुझसे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी अपना फोन नंबर बताइए, हम आपसे कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो मित्रों मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है जो कि है 7210124289। आपको इसमें अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिख कर मुझे भेजना है, और आप अपना प्रश्न भी जरूर लिखें किस लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं। अक्सर आप हाय हेलो लिख देते हैं मित्रों, लेकिन अपना मूलतया प्रश्न नहीं लिख पाते, जिस कारण से हम उसको ले नहीं पाते, तो आप ये जरूर लिखें कि आप क्या पूछना चाहते हैं, आपको आपका उत्तर अवश्य मिलेगा। आज के कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी।